बारिश हो रही थी एंड लगा गाड़ी वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने में वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई यार क्लास जा रहे हैं, सुबह 8 का टाइम है यार, फुल बारिश हो रही है। तो ये भी कोतस के भाई पहुँचे हैं, फर्स्ट जाना सेकंड कॉर्पस में, लेकिन फर्स्ट के बाद से इधर से इंटर सुन नहीं है तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। देख रहे हैं क्या हाल है, अब कोई कम हुई है बहरहाल एंड कर गई है बारिश आज सुबह सुबह ना फुल एंड कर गई। पर जब सुबह है ना इतनी बारिश हो रही थी, एंड लेवल की बारिश हो रही थी, और सुबह से क्लास भी थी तो आना पड़ना था, फिर आए हैं तो मज़ा आ गया। तो मैंने बस मोबाइल एंड टाइम पर आना, बारिश जरा कम हो गई थी तो तब आकर मोबाइल को लेवल रखे, एंड होगा सामने मेरे लगता गाड़ी बजी है, अभी सात आधा गाड़ी बजी है, ओ बंद होगा सीन। तो ना बस वो मैंने एन टाइम पर मोबाइल खोला तो आप मोबाइल पर जब जितनी वीडियो बनी मैंने बना ली, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। आप तो बच्चा हो गया, बारिश खत्म हो गई, काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है इस एक्सीडेंट की वजह से, मतलब अभी हुआ ही है, दो चार मिनट हुए हैं जैसे मुझे जैसे लग रहा है, पानी काफ़ी खड़ा हो गया। और फिलहाल तो ये है कि देर हुई है तो खाया भी कुछ नहीं, अब जा रहे हैं डोनेशन ना खाना, ठीक है तो देखते हैं खाने जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से वो अगला सिग्नल भी क्रॉस कर रहे हैं, मैं अकेला ही जीत गया। मेरा सिग्नल भी खुल गया, बचत होगी काफी ज्यादा। चलो खैर हमें क्या लेना देना, तो ऐसे वाकयात होते रहते हैं। और इधर मैंने ओवरऑल जितने एक्सीडेंट देखे हैं ना, जितने भी एक्सीडेंट देखे हैं, गाड़ी साइड से बचती है, फेंडर होता है जो टायर के ऊपर होता है फेंडर, गाड़ी उधर आकर लगती है, ठीक है। और अच्छा भी है बुरा भी है, फेंडर पे जब बचती है बचत भी हो जाती है, लेकिन नुकसान तो होता है हर ही वक्त। तो फेंडर का तो नुकसान है, जितनी गाड़ी बचेंगी फेंडर पे बचती हैं। और सिकंदर पार्क पहुँच गए, सिकंदर शो का नहीं है, इधर ही हम ओवरऑल आते थे, ये थोड़े दिन पहले भी इधर ही आए हुए थे, साथ के पहुँच गए यार, बंदा साथ ले आता है। हाँ जी, तो भाई यार क्लास हो गई ख़त्म लैंग्वेज की, ओहो उड़ ना जाए लैंग्वेज की क्लास ख़त्म हो गई है। तो यार सुबह आए थे तो अच्छी भरी बारिश हुई है, तो वापसी जा रहे हैं तो धूप निकल आई है, हमने सोचा छतरी पास ऊपर ले लें तो साफ का रंग काला हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो क्या भाई साहब भी आगे अंदर आ जाए यार ये इसका मैं बहुत ख्याल करता हूँ, लेकिन इस बंदे को मेरा ख्याल नहीं है कसम से। और यार आज था हमारा रशियन का मिड था, मिड वन वो भी है, तो इस तरह आके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अब दोबारा क्लास है 2 बजे मेडिकल बायो वगैरह, हॉस्टल जा रहे हैं तो चाहिए हुए खुले हैं, दोनों वगैरह पहले खा लिया था। यार ये देखिए हमारा मेरा यार है जिशान है, वो चीमा और मलक साहब क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बंद कर दो। क्यों यार आप क्यों जेलस होते हैं मुझसे? अगर मुझे 2 लोग देख रहे हैं, आप जो छतरी ऊपर लो ना, मुझे आपका बहुत ख्याल है। यहाँ इसकी यहाँ आके ना इसकी स्किन को जरा इफेक्ट हो पड़ गया ऊपर, तो हमें बहुत ख्याल है ये। एक ये इसके बारे में सीरियस रहते हैं छोटे बड़े चांद बात सुनना, एक हमारा चांद वो है छोटा चांद, ये बड़ा चांद वो छोटा चांद, ये हमारा समझ रहे हो। ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंकल हैं मिलिट्री वाले, छोटे बड़े चांद बात सुनो,
मजा आया। और मैं ये जो जी सारा कुछ एक्साइट थे, ठीक हो गया, लेकिन लेकिन बठाल गल लै के दुध लाजमी यार, चाह के बगैर गुजारा नहीं है, नामुमकिन है। सोचा था छोड़ देंगे इधर आके, यार नहीं छूट ली जाए, कम हो गई है दिन में एक दो टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इधर आके तीन, बस इससे ज़्यादा नहीं पी सकता, दिल ही नहीं करता फिर। असल दूध बड़ा महंगा है, बात ये है और बात कोई नहीं है। हैप्पी बर्थडे सर, आज तो हयान यूनिवर्सिटी हो गए हैं फ्री, तो सर की साल बर्थडे वो किए सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट करके निकले तो ये हैं हमारे डॉक्टर शकील भट्टी, इनका चैनल भी है, ठीक है, आप इसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं होता यार, क्या चलता है। तो सर की थी बर्थडे, वो सेलिब्रेट की है, वो सेलिब्रेट करके निकले हैं, तो जाना था बैंक, तो पहले गए हूँ तो आप लोग उधर ही सारे, तो शायद मैं अब ना जाऊँ, जा रहा हूँ हॉस्टल, सर में थोड़ी पेन हो रही है यार, सुबह की हो रही है, सुबह की 8 बजे गए हूँ लेक्चर लेने और टाइम हो गया 4 बजे, 8 घंटे हो गए हैं और इतना पेन हो रही है, पैनाडोल तक नहीं खाई, तो क्योंकि खाना नहीं खाया, तो सुबह से पैनाडोल नहीं खाई है, अब जाकर खाएंगे, खाना खा करना तो पैनाडोल खा के सो जाऊँगा, उसको उठेंगे उसको देखेंगे। तो बैंक जाना था पैसे लेने, पैसे आए थे, तो पैसों का बड़ा लंबा खज्जल सीन है, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। दरअसल में भी मेरे पैसे आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है, मेरे पैसे यूनियन में, तो अराउंड अबाउट था $450 थे, चाचू थे मेरे, उन्होंने भेजे थे, वो उन्होंने मेरे पासपोर्ट में भेज दिए, ठीक है, बात करनी ऐसे भी मैं गया हूँ लेने, पैसे सब कुछ होगा लेकिन निकले नहीं, बात मेरी एज थी जो पासपोर्ट भी ज़रा कम है, 18 से थोड़ी सी नीचे थी, वो कह रहे जब तक आपकी एज 18 से नीचे आप पैसे नहीं निकलवा सकते, अब मैं क्या कर सकता था, मैं वापस आ गया। फिर उधर से जिस दिन पैसे मैं निकलवाने गया था उसी दिन रात को चाचू की टिकट थी तकरीबन अराउंड अबाउट 12 बजे, मैं 10 बजे लगा लें और मैं गया हूँ 5 बजे, जब मैंने चाचू को बताया, चाचू कहते यार टाइम दे, ठीक है, अब मैं अगर उधर जाता हूँ वेस्टर्न यूनियन में तो मैं उधर से लेट हो रहा हूँ, मैंने पैकिंग करनी है, सामान लेना है, ये वो करके मैंने निकलना है, तो बोला कि बंदे क्या कर रहा, तो मैंने पहले कहा था पता करा सारा कुछ, तेने पहले पता क्यों नहीं कराया, उधर मुझे फिर बोल दे, मैं कहा चले, फिर वो उनकी उस दिन फ्लाइट थी, वो फिर निकले पाकिस्तान को, बुरा हुआ अच्छा, वो फिर उसी दिन निकले पाकिस्तान को, उसी दिन वो जो रिटर्न की होती है पॉलिसी वगैरह, मुझे नहीं पता क्या पॉलिसी, वो वापस की, ठीक है, इस बात को हो गया अराउंड अबाउट 1 महीना, फिर 1 महीने बाद पैसे वापस आए गुरुद्वारा पाकिस्तान के, और आज पाकिस्तान से आए हैं, इतना लंबा खज्जल सीन हुआ, बड़ा जल्लत हुई है यार।